अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज रोहन अरशद फ्रॉम हैदराबाद। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। मैं आज वो बिग न्यूज अनाउंस करने वाला हूँ, जो बिग न्यूज मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि मैं एक बिग न्यूज अनाउंस करने वाला हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। मतलब ये नहीं बोला था कि कहाँ पे अपलोड करूंगा, कहाँ पे मैं ये चीज अनाउंस करूंगा, पर मैं यूट्यूब चैनल पर अनाउंस करना बेहतर समझा, तो मैं यूट्यूब चैनल पे आ गया मेरे, और मैं ये आप सभी व्यूवर्स के सामने ये बात रखना चाह रहा हूँ कि वो बिग न्यूज क्या है। वो बिग न्यूज से मैं बहुत खुश हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को थोड़ी भी ये महसूस नहीं हुई कि अरे क्या होता ये बिग न्यूज अगर मैं अनाउंस करा तो, बल्कि कुछ भी नहीं सोचा मैं, बस लाए मेरे लिए बल्कि बस ये इरादा कर लिया चाहे कुछ भी हो जान दो। और ये बिग न्यूज ये है कि मैं पूरे के लिए कंप्लीटली म्यूजिक इंडस्ट्री को छोड़ रहा हूँ। म्यूजिक वीडियोस नहीं बनाऊंगा मैं अब से, और म्यूजिक के रिलेटेड जो भी रहेगा इंशाल्लाह मैं रोकूंगा अपने आप को कि ये चीज नहीं करनी चाहिए। और मेरे को बेहतर मैं जानता था कि म्यूजिक हराम है इस्लाम में, बस मेरा एक पैशन था, मेरा एक जुनून था कि ये चीज करना, अरे मेरे को ये चीज बनना है, बल्कि बस अल्लाह का करम था। और आप भी बेहतर जानते हैं, और मैं मेरे को भी मालूम है कि ये प्लेटफॉर्म मेरे को यहाँ से यहाँ पे लाया सर। मतलब मेरे को म्यूजिक इंडस्ट्री मेरे को इतना मुकाम दिया, इतनी कामयाबी दिया, और मेरे को अल्लाह पे भरोसा है। और इंशाल्लाह ये चीज रोकने के बाद मेरे को अल्लाह ताला कुछ अलग मुकाम देगा, कुछ अलग जरिए से मेरे को हलाल तरीके से मेरे को कामयाबी देगा इंशाल्लाह ताला। ये मेरे को अल्लाह पे पूरा भरोसा है, और ये चीज से मैं बहुत खुश हूँ छोड़ के भी। मैं ये डिसीजन से भी बहुत खुश हूँ। मेरे घर वालों को भी मैं बता दिया कि मेरे वालदा को, वालिद सबको बताने पर मेरे वालदा को मैं बोल दिया था कि मैं ये चीज छोड़ दे रहा हूँ अम्मी बोल के, क्योंकि क्यों छोड़ रहा हूँ इसकी वजह रीजन क्या है ये सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और मेरे को आप लोग से मैं कनेक्ट रहूंगा, यूट्यूब को नहीं छोड़ रहा हूँ मैं। यूट्यूब में मेरी बहुत मेहनत है मेरी, बस म्यूजिक हराम जो चीज है हाँ मैं अब तक कर लेते हुए आ रहा था, ये चीज मैं छोड़ दिया। अभी मैं म्यूजिक वीडियोस नहीं बनाऊंगा, दिस इज ये मेरा आखिरी फैसला है। और शायद ये हो भी सकता कि अल्लाह की तरफ से एक इशारा भी है कि मेरे को हिदायत मिल रही हो, या फिर हिदायत जो भी है इंशाल्लाह मिल जाएंगे इंशाल्लाह वो भी। और ये डिसीजन मेरे लिए बहुत मायने रखता, और ये डिसीजन से मैं खुश हूँ, और आप लोग भी इस डिसीजन से मेरे सहमत होंगे। अल्लाह पे मेरे को पूरा भरोसा है कि मेरे को कुछ और जरिए से कामयाबी हासिल होगी, जिसमें अल्लाह की रजा भी शामिल होगी। और आप सब मेरे को साथ दीजिए, जो अल्लाह माफ करे, जब मैं म्यूजिक बनाता था तो जैसा आप लोग मेरे को सपोर्ट करे थे, वैसे ही मेरे को इस डिसीजन लेने के बाद जो भी मैं करूंगा यूट्यूब पे, उस चीज पे मेरे को आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। और मेरे को पूरा भरोसा है आप लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे और मेरे इस डिसीजन से खुश रहेंगे। मेरे को देख के लोग आए, जो रैपर बन के, अब मैं उन लोगों को बोलना चाह रहा हूँ जो मैं फेमस होने के बाद अरे इन्हें बना मैं भी बन सकता हूँ, बल्कि जो उन लोगों का टैलेंट किसी और में था तो उन लोग अपना जहन चेंज कर लेके जो आके गाने लिखते गए, रैपिंग करते गए, जो डालते गए यूट्यूब पे, उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी इस चीज को छोड़ दीजिए। जो मेरे को देख के इंस्पायर होके, जो मेरे को देख के मोटिवेट होके अरे बंदा बना अपन भी बन सकते, बल्कि जो लगान ले लेके जो बंदे बना रहे सॉन्ग्स, उन लोगों से भी अदबन रोक दो, बेहतर है आप लोग के लिए भी। और इंशाल्लाह मैं आगे आपको बताऊंगा कि मैं क्यों म्यूजिक फील्ड छोड़ दिया, और इसके पीछे का रीजन क्या है, राज क्या था, इंशाल्लाह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग भी मेरे को कमेंट्स में बताइए कि मैं क्या करूं यूट्यूब पे, जिससे मैं आप लोग से कांटेक्ट में रहूं, जिससे आप लोग से मैं टच में रहूं, और इंशाल्लाह अपन आगे बहुत काम करेंगे यूट्यूब पे। इंशाल्लाह करेंगे तो सिर्फ हलाल करेंगे, हराम नहीं। और दुआओं में याद रखिए, और इस वीडियो को जितना होता उतना शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मैं बस ये उम्मीद है मेरे को कि आप लोगों से, कि आप लोग मेरे को
बेइंतहा सपोर्ट करेंगे इस डिसीजन से और खुश होंगे और मैं भी बहुत खुश हूँ, सीरियसली बहुत खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, शुक्र है, एहसान है कि बहुत खुश हूँ मैं इस डिसीजन से। इंशाल्लाह मैं अब से वीडियोस बनाऊंगा या व्लॉगिंग करूंगा, जो भी करूंगा इंशाल्लाह इस्लाम में जो हराम है वो चीज को मैं दूर रखते हुए करूंगा इंशाल्लाह। मैं आप लोगों के साथ टच में रहूंगा, आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं क्या करूं। आप लोगों के साथ मैं पहले सॉन्ग्स बना के टच में रहता था, मतलब जो आप लोग सपोर्ट करते थे वो सपोर्ट से मैं सॉन्ग्स बनाता था। अब ऐसा सपोर्ट करिए मेरे को जिससे मैं भी नाउम्मीद ना हो और मैं भी मायूस ना हो, मेरे को एक भरोसा रहे, अरे अल्लाह ताला भी है मेरे साथ, ये पब्लिक भी है जो मेरे को देख रही और मेरे को सपोर्ट कर रही। और इंशाल्लाह अपन बहुत काम करेंगे, बहुत बताएंगे यूट्यूब चैनल पर मेरे जो इंशाल्लाह। अगर आप लोग मेरे को कुछ आइडियाज देंगे कमेंट्स में, मेरे को बताओ कि मैं क्या करूं, कुछ ऐसा करूं जिससे मैं आप लोग मेरे को हर दम देखते रहे, हर हफ्ते देखते रहे, हर रोज देखते रहे। पर मैं ये आखिरी बात बोल के ये वीडियो को खत्म करना चाह रहा हूँ। और मैं अगर कुछ कम बोल दिया, कुछ ज्यादा बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया तो मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से। मैं बहुत नर्वस भी हूँ, पहली बार इतनी देर कैमरे के सामने बात करा आप लोगों के साथ। और मैं इसका रीजन क्या है, इसके पीछे का राज क्या है कि मैं क्यों छोड़ा म्यूजिक फील्ड, मैं आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को बहुत से ज्यादा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर मैं कुछ सीरियसली अगर मैं कुछ गलत बोल दिया, कुछ कम बोल दिया तो मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से। मेरे को सपोर्ट करिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।